हाय मॉमीज़, वेलकम टू माय चैनल लिटिल बर्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉफ एंड कोल्ड की होम रेमेडीज़ के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी सीज़न चेंज होता है तो बच्चों को बहुत जल्दी कॉफ एंड कोल्ड हो जाता है और उसकी वजह से बच्चे और पेरेंट्स दोनों बहुत परेशान रहते हैं। तो जब सीज़न चेंज होता है तो हमें बच्चे को काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ऑल्दो हम पेरेंट्स रखते भी हैं, बट कई बार बच्चे जब थोड़े से एक साल से बड़े की एज में हो जाते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वो सॉक्स निकाल के फेंक देते हैं, ग्लव्स निकाल के फेंक देते हैं, कैप नहीं पहनते हैं, तो इस वजह से बच्चे को कोल्ड एंड कफ हो जाता है। ऑल्दो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हमारी बॉडी जैसे हील करती है, इम्यूनिटी बिल्ड करती है, तो उसी तरह से सेम बच्चों के साथ भी होता है। जब उनको कफ एंड कोल्ड होता है तो उनकी इम्यूनिटी बिल्ड होती है, तो ये एक नेचुरल चीज़ है। तो अगर ये नॉर्मल है तो आप घर में कुछ चीज़ें ट्राई करते हैं और उससे बच्चे को काफ़ी रिलीफ भी मिलता है। अगर बच्चे की कंडीशन ज़्यादा सीवियर नहीं है, बच्चे को नॉर्मल कफ एंड कोल्ड है, तो आप होम रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हैं। तो आप ये होम रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हैं और बच्चे को काफ़ी रिलीफ भी मिलता है और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इससे बच्चे को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो जैसा कि बहुत सारी स्टडीज़ में पता चला है कि जब 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको कफ की जो सिरप दी जाती है उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो बच्चे को अगर नॉर्मल कफ एंड कोल्ड है तो आप घर पे ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। बच्चे को हर बात पे मेडिसिन देना भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं रिपीट करूँगी कि अगर बच्चे को सीवियर कफ एंड कोल्ड है, बच्चे की चेस्ट में कंजेशन है, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको सही दवाई देंगे और बच्चे के अकॉर्डिंग बच्चे को चेक करके देंगे जिससे बच्चे को जल्दी रिलीफ मिले। तो अगर बच्चे को ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो आप बच्चे को डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाइए। अगर बच्चे को नॉर्मल कफ एंड कोल्ड है तो आप कुछ चीज़ें घर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो उसमें से सबसे ज़रूरी चीज़, जब बच्चे को कफ एंड कोल्ड होता है तो बच्चे की जो नोज़ है उसका म्यूकस काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है, बच्चे को यू नो ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी होती है, बच्चे सो नहीं पाते हैं, बच्चे खा नहीं पाते हैं। तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि बच्चे की नोज़ काफ़ी स्टफ़ी होती है जिसकी वजह से बच्चे को ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैंने बहुत सारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि बच्चे को जब भी स्टफ़ी नोज़ हो तो आप बच्चे को सलाइन ड्रॉप्स डाल सकते हैं, जो कि हर केमिस्ट शॉप पे अवेलेबल है और बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल होती है। बेसिकली ये सॉल्ट एंड वाटर का सोल्यूशन होता है, इससे बच्चे को आप नाक में डालिए 2-3 बार दिन में, तो इससे जो स्टफ़ी नोज़ है उसका म्यूकस थिन हो जाएगा और बच्चे को यू नो सांस लेने में काफ़ी आसानी होगी। तो इस टाइप का सलाइन नेज़ल ड्रॉप आता है जो कि हर केमिस्ट शॉप पे अवेलेबल होता है, आप इसको बच्चे को डाल सकते हैं नाक में बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और बच्चे की जब नोज़ रनिंग हो जाती है, बच्चे का आपको म्यूकस निकालना है, तो मार्केट में इस टाइप का सक्शन बल्ब बोलते हैं इसे, इस टाइप का सक्शन बल्ब आता है, उसे आप बच्चे के नोज़ में डालकर ऐसे प्रेस करके रखेंगे और इसे ऐसे ओपन करेंगे तो जो भी म्यूकस है वो इसके अंदर फिल हो जाएगा और इसको आप नॉर्मल सोप वाटर से क्लीन करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। बाद जब भी बच्चे को कफ एंड कोल्ड हो तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि बच्चे का फ्लूइड का इंटेक बढ़ा दीजिए। अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप बच्चे को बार बार फीड कराइए और बच्चे का बेसिकली फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। अगर बच्चा बड़ा है तो आप बच्चे को बार बार पानी दीजिए, वार्म वाटर ट्राई करिए कि बच्चे को दीजिए। बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप बच्चे को हनी दे सकते हैं, इससे काफ़ी रिलैक्स फील करता है बच्चा। तो अगर कफ एंड कोल्ड है तो बच्चे को यू नो ब्रीथ करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो आप ट्राई करिए कि बच्चे का हेड थोड़ा सा एलिवेटेड रखिए, बच्चे को पिलो के ऊपर सुलाइए। बच्चे के लिए ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं, इससे बच्चे को काफ़ी रिलैक्स फील होता है। बेसिकली ये एयर में मॉइस्चर ऐड करता है जिसकी वजह से बच्चे को ब्रीदिंग में काफ़ी ईजी होता है और ये बेसिकली कूल मिस्ट प्रोड्यूस करता है ह्यूमिडिफायर, और इससे बच्चे को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर आप चाहें तो इसमें 1-2 ड्रॉप्स यूकेलिप्टस ऑयल की भी डाल सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम मिस आउट कर देते हैं, क्योंकि जब बच्चे को कफ एंड कोल्ड होता है तो बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं, मोस्टली बच्चे खाना छोड़ देते हैं और हम उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाना चाहते हैं क्योंकि बच्चा बीमार है और खाएगा नहीं तो ठीक कैसे होगा, हमारे माइंड में यही मिसकंसेप्शन रहती है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है, हम इस चीज़ को मिस आउट कर देते हैं कि बच्चे की थ्रोट जो है वो बहुत ज़्यादा स्क्रैची होती है जिसकी वजह से बच्चा खाना निगल नहीं पाता है। तो जब भी मेरी बेटी को कफ एंड कोल्ड होता है तो वो मोस्टली खाना बंद कर देती है और उस टाइम मैं बच्चे का ब्रेस्ट मिल्क काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती हूँ कि
एटलीस्ट कुछ न्यूट्रिशन उसके एटलीस्ट न्यूट्रिशन जा रहा है उसकी बॉडी में, फ्लूइड इनटेक जा रहा है ताकि उसको कुछ न्यूट्रिशन मिल सके। उसके अलावा बच्चे को खाना थोड़ा बहुत खिलाना ज़रूरी भी है, तो उस टाइम बच्चे को सॉलिड फूड मत दीजिए अगर आपका बच्चा बड़ा भी है, क्योंकि वो निगल नहीं पाता है उसको। तो उस टाइम ट्राई करिए कि बच्चे को बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में दीजिए या फिर बिल्कुल मैश्ड फॉर्म में दीजिए, और ट्राई करिए कि वो थोड़ा सा गर्म हो। अगर बच्चा ठंडा खाना भी पसंद करता है आपका, तो भी ट्राई करिए कि थोड़ा सा गर्म हो, इससे बच्चे को काफ़ी रिलैक्स फील होता है। तो उस टाइम पे ऐसा फूड ट्राई करिए जिससे बच्चे को खाने में डिफ़िकल्टी ना हो और बच्चे को काफ़ी रिलैक्स फील हो। तो उस टाइम पे सूजी खीर थोड़ी सी गर्म या फिर बहुत लिक्विडी फॉर्म में ओट्स दे सकते हैं, ऐसी चीज़ जिसको खाने में बच्चे को कोई डिफ़िकल्टी ना हो और बच्चा काफ़ी आराम से उसको खा सके। तो ऐसी चीज़ जैसे कि सूप है, ये सब आप बच्चे को गरम गरम दे सकते हैं, इससे बच्चे काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, और इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि मैं वो सारे पॉइंट कवर करूं जिससे आप बच्चे को काफ़ी रिलैक्स फील करवा सकते हैं ड्यूरिंग कॉफ एंड कोल्ड। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।